दोस्तों देखिए, मेरे पास एक जियो का फ़ोन है और ये जियो का F220B मॉडल है। दोस्तों इसमें जो है चार्जिंग आईसी का इसमें जो है फॉल्ट है, जिसके कारण मेरा जो है चार्ज नहीं ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में है जो है इसका चार्जिंग का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है चार्ज लगाए, बट जो है मेरा चार्ज नहीं ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, तो आपको मैं इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे चेक किया, इसका जो है चार्जिंग पिन का जो भी प्रिंट था वो प्रिंट जो है ये निकल गया था, जिसके कारण जो है ये मेरा पिन जो है यहाँ पे सही से चार्जिंग पिन का कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो जो जिसका जहाँ पे पॉइंट रहा, जो जहाँ जिसका टिप है, तो उसको जो है मैंने यहाँ पे जम्पर कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है चार्जिंग आईसी, एक छोटा सा यहाँ पर जो है चार्जिंग आईसी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो है इसका चार्जिंग आईसी नहीं लगा हुआ है, और इसमें जो है मैं दूसरा चार्जिंग आईसी लगाने वाला था, बट यहाँ पे जो छोटा छोटा जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट जो है एक दूसरे से जो है 2-3 पॉइंट शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण जो है मैं दूसरा जो है चार्जिंग आईसी नहीं लगाया है। तो आज की इस वीडियो में है ये बिना आप चार्जिंग आईसी लगाए इसको जो है ये चार्जिंग का प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और अगर आपका भी इस तरह का कहीं पर कुछ ये आपका जो है चार्जिंग आईसी प्रॉब्लम आता है, या फिर चार्जिंग आईसी आपके पास नहीं है, या फिर चार्जिंग आईसी जहाँ पे लगता है वहाँ पे अगर आपका यहाँ पे पॉइंट जो है शॉर्ट हो गया है, तो फिर भी जो है इसको आप कैसे रिपेयर कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जो है हम इसमें बताने वाले हैं। तो आपको पहले हम यहाँ पे दूसरा बोर्ड मेरे में यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे दूसरा बोर्ड में देखेंगे जो छोटा वाला आईसी है ये चार्जिंग आईसी है, और इसी तरह का जो चार्जिंग आईसी है वो यहाँ पे जो है लगा हुआ पहले था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी चार्जिंग आईसी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट भी शॉर्ट हो गया है। तो हम विदाउट ये चार्जिंग आईसी लगाए इस जो है चार्जिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें वो इसमें जो है हम आपको करके दिखाते हैं। तो अभी आपको जो है इसमें हम चार्ज लगा कर दिखा देते हैं कि मेरा जो है अभी चार्ज बिल्कुल ये नहीं ले रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है चार्ज लगा दिया हूँ, और आपको हम इसमें जो है अभी वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोब को हम ग्राउंड में रखते हैं और दूसरी को जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर में देखिए एक मैंने ग्राउंड पे रखा है और एक मेरा जो है एक इस कैपेसिटर में जो है इसमें जो है चार्जिंग का जो है पावर आ रहा है। तो यहाँ इस कैपेसिटर में आता है पावर, इसके बाद यहाँ से जो है चार्जिंग आईसी में जाता है, और चार्जिंग आईसी में जाने के बाद फिर से जो है इस कैपेसिटर में जो है पावर, इसमें जो है वोल्टेज आता है। तो इसमें जो है हम डायरेक्ट एक यहाँ इस कैपेसिटर से एक यहाँ पर जो है डायरेक्ट इसमें हम वोल्टेज जम्पर करके डायरेक्ट जो है पावर सप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट वोल्टेज हम यहाँ पे दे देंगे, तो फिर जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो है हम आपको एक जम्पर करके दिखाते हैं और फिर देखते हैं मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो है पहला जम्पर जो है इस कैपेसिटर में मैंने दिया है, और दूसरा जम्पर जो है डायरेक्ट इस कैपेसिटर में दे दिया है ए साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जो है एक जम्पर दे दिया हूँ। अब इसमें जो हम चार्जिंग जो है इसको लगा के देखते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जो है मैंने चार्ज लगा दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरा यह है ये इंडिकेट हो गया है, और इसमें जो है मेरा चार्जिंग वाला जो जब भी आप चार्जिंग लगाते हैं तो फिर जिस तरह इंडिकेट होता है वो इंडिकेट भी हो रहा है। अब इसमें हम जो है बैटरी लगा के भी अब आपको इसमें जो है चेक करके इसमें दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा ये चार्जिंग लेना जो है स्टार्ट हो चुका है, और मेरा 73% चार्ज भी है।
और यहाँ पे देखिए मेरा जो चार्ज हो जाएगा, अब आपको जो है हम ऑन करके भी दिखा देते हैं कि मेरा ऑन में जो है ये चार्जिंग शो हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो है जब ये ऑफ में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और फ़ोन जो ऑन हो जा रहा है चार्जिंग लगाने पर, तो ऑन में भी जो है ये आपका 100% शो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये चैनल पर जो है, इस चैनल पर आपको हमेशा जो है मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको हर तरह का जो है नॉलेज, बहुत कुछ इसमें जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको वीडियो इसमें अपलोड मिलता है वो आप देखें, उस वीडियो से आपका जो है काफ़ी नॉलेज जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और इसमें चेक करके देखते हैं, और फिर यहाँ पे चार्जिंग शो होने के बाद आपको जो है इसमें हम पावर सप्लाई भी चेक करके दिखाएंगे कि मेरा जो फ़ोन जो है चार्ज होने के लिए 3.7 से 4.2 के आसपास में जो है पावर आना चाहिए, तभी जो है मेरा ये परफेक्ट जो है चार्जिंग जो है हो पाएगा। तो वो भी हम जो है इसमें चेक करके दिखाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो है अभी चार्ज ले रहा है। मैंने जो है अब जो है फिर से इसको निकाल के मैं लगाता हूँ, और फिर आपको जो है इसमें देखते हैं, देख सकते हैं मेरा फिर से चार्ज हो रहा है। और फिर एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, तो देखिए देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो है ये भी मेरा इंडिकेट कर रहा है। और आपको मैं एक बार जो है इसका पावर भी चेक करके दिखाते हैं कि मेरा जो है ये परफेक्ट इसमें वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो भी हम इसमें जो है दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में मेरा जो है 4.2 के आसपास में जो है वोल्टेज दिख रहा है। देखिए 4.2 के आसपास में जो है मेरा पावर जो है इसमें आ रहा है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।